हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बी वेज विद गीत। आज बन रही है करवा चौथ स्पेशल फैनी। फैनी बनाने के लिए चलते हैं मेरी किचन में। उसके लिए आप मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे का बटन दबाना ना भूलें। सबसे पहले हम लेंगे फैनी। ये लगभग 50 ग्राम है, इसे मैंने एक कप लिया है अगर आप कप से नापेंगे तो। और ये देखिए, ये पहले से ही रोस्टेड होती हैं लेकिन हम इसे दोबारा भी रोस्ट करेंगे अभी। और करवा चौथ के त्यौहार पर ये इजीली अवेलेबल होती है, किसी भी हलवाई के पास आपको मिल जाएगी। और अगर आपको नहीं मिलती तो आप ये वर्मिसेली का भी यूज़ कर सकते हैं, या एक लंबी सेवियाँ आती हैं आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं। ये तीनों ही तरह की सेवियाँ आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, जो आपको मिल जाए आप वो ले सकते हैं। मैं बना रही हूँ आज ये फ्रेश वाली फैनी। सबसे पहले लेंगे एक भारी तले की कढ़ाई, उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी। और जो हमने ये फैनी ली है ये हम इसमें डाल देंगे। फ्लेम हम बिल्कुल स्लो रखेंगे, हाई नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत जल्दी से जल जाएंगी। इसे स्लो फ्लेम पर हम 2 मिनट के लिए रोस्ट करेंगे इस तरीके से, और इसको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते ही रहना है। फिर डालेंगे हम इसमें 2 चम्मच पानी। मैं कोई पानी की मिलावट नहीं कर रही इसमें। पानी हम इसलिए डालेंगे ताकि कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा लो हो जाए, और जब हम इसमें दूध डालें वो दूध नीचे से जले ना। दूध हमें कच्चा भी ले सकते हैं और हम बॉईल किया हुआ भी ले सकते हैं। इसे हम चलाते रहेंगे लगातार जब तक इसके अंदर एक बॉईल नहीं आ जाता, और जब इसमें एक बॉईल आ जाएगा तब हम इसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब तक बॉईल नहीं आता तब तक हम इसे चलाते रहेंगे। देखिए इसमें बॉईल भी आ गया है, हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए ऐसे ही पकने देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। ये देखिए साइड की मलाई उतार के हम इस दूध में ही इसको डाल देंगे ताकि एकदम अच्छे से रबड़ीदार हमारी फैनी बने। 1 चम्मच दूध हम एक कटोरी में निकालेंगे और उसमें थोड़े से केसर के धागे डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। तब तक अब इसे पकाते हुए 6 से 7 मिनट हो गए हैं, दूध भी अच्छा गाढ़ा हो गया है। ये देखिए अब हमने जो दूध में केसर भिगो के रखा था वो हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसे चला लेंगे। अब आइए इसमें चीनी डालने की बारी। मैंने इसमें डाली है 1/4 कप चीनी। इससे ये एकदम परफेक्ट मीठा बनेगा। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप 1 से 2 चम्मच चीनी और इसमें डाल सकते हैं। अब इसमें डालते हैं हम कटा हुआ ड्राई फ्रूट। मैंने डाला है काजू, पिस्ता, बादाम और किशमिश। आपको जो पसंद है ड्राई फ्रूट आप डाल सकते हैं, और चाहें तो आप ड्राई फ्रूट हल्का सा घी में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसमें कच्चा ही अच्छा लगता है। थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर बिल्कुल लास्ट में, जब हम गैस बंद करने वाले होंगे। इसको अब हम 2 मिनट के लिए चलाएँगे और हमारी फैनी सर्व करने के लिए एकदम रेडी है। इसे आप ठंडा भी सर्व कर सकते हैं और गर्म भी सर्व कर सकते हैं। वैसे सर्गी में खाई जाती है तो मोस्टली लोग इसे रात में बनाकर रख लेते हैं और सुबह उठ के सर्गी में इसे खाते हैं ठंडा ही। अगर आपको गर्म पसंद है तो आप उस टाइम इसे थोड़ा सा गुनगुना गर्म कर सकते हैं। मैंने इसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर लिया है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है देखने में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हैप्पी करवा चौथ टू माई यूट्यूब फैमिली।